खाद में मिलावट कर बेचे जाने की सूचना पर शनिवार को एसडीओ रवि आनंद व थाना प्रभारी मनोज कुमार ने संयुक्त रूप से छापामारी अभियान चलाया। शहर के मेन रोड में संचालित मेसर्स गुमला कृषि क्रांति दुकान व उसके दुंदुरिया स्थित गोदाम में छापेमारी की गई। छापामारी के बाद दुकान व गोदाम दोनों प्रशासन के द्वारा सील कर दिया गया है। मेसर्स गुमला कृषि क्रांति के दुंदुरिया स्थित गोदाम में पहले छापामारी गई, जहां पाया गया कि विभिन्न कंपनियों के बारे में मिलावटी खाद डालकर रखा गया है। वहीं गोदाम में रखे खाद को सील भी कर दिया गया। बताया जा रहा है कि उक्त गोदाम में विभिन्न कंपनियों के बोरे में मिलावटी खाद डालकर उसे महंगे दामों में बेचा जाता है और पूरे जिले में सप्लाई भी किया जाता है। वहीं मेन रोड गुमला में मेसर्स क्रांति दुकान में एसडीओ ने छापामारी की। छापामारी के दौरान ईफो कंपनी की बोरा भारी मात्रा में दुकान पर पाया गया। इफको सरकारी कंपनी है और सरकार की ओर से किसानों के बीच वितरण के लिए इसको रखा गया था, जिसे सब्सिडी पर किसान मेसर्स गुमला कृषि क्रांति दुकान से खरीदते हैं। कृषि क्रांति दुकान में भारी मात्रा में विभिन्न कंपनियों का खाद गोदाम में रखा गया है, जहां से एक बोरा खाद जांच हेतु जब्त किया गया व इफको कंपनी का बोरा भी पुलिस ने जब्त कर लिया। वहीं दुकान के संचालक को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जीएन भारत। विक्रय किया जा रहा है, इसी के आलोक में हम लोगों ने दुंदुरिया से सत्यान कॉलोनी में सबसे पहले छापा मारा। वहाँ पे मिलावट करते हुए जो है कम मूल्य का खाद जो है वो ज़्यादा मूल्य के खाद के बोरे में जो है पैक किया जा रहा था। उस पूरे गोदाम परिसर को सील किया गया है और जो उसके प्रोप्राइटर थे उसको जो है थाना में रखा गया है। उनके द्वारा जो दुकान संचालन किया जाता है वहाँ पर भी हम लोगों ने जाँच किया। जाँच के समय पाया गया कि विभिन्न खाद की जो कंपनियां हैं उसका नया नया बोरा जो है इनके पास था हुआ है कि गोदाम से, इससे भी यह परिलक्षित हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो है गलत को मिलावट खाद विक्रय कर रहे हैं। इसी के आलोक में हम लोग इनकी दुकान को भी सील कर रहे हैं। उसके बाद एक और गोदाम इनका जो बाजार समिति में अवस्थित है वहाँ पर भी जाकर छापामारी किया जाए, वहाँ पर भी देखा जाएगी कोई खाद मिलावटी तो नहीं। खाद मिलावटी पाया जाता है तो इसके ऊपर सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और अवैध कार्रवाई की जाएगी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।